सरगुजा राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव को अंतिम विदा देने उमड़ा जन सैलाब। दरिमा हवाई पट्टी से लेकर सरगुजा पैलेस पर उमड़ा लोगों का हुजूम। राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव को अंतिम विदाई देने पहुँचे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के सभी प्रमुख नेता और मंत्री। राजमाता सरगुजा को दी गयी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। स्वर्गीय श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव को उनके ज्येष्ठ पुत्र एवं मंत्री श्री टी एस सिंहदेव ने दी मुखाग्नि। अंतिम संस्कार में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा गणमान्य नागरिक जन सामान्य भारी संख्या में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अमेरिका प्रवास के दौरान आज सैन फ्रांसिस्को में निवासरत भारतीयों विशेषकर छत्तीसगढ़ियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के अमेरिकी दौरे को लेकर अप्रवासी भारतीयों में काफी उत्साह है। सैन फ्रांसिस्को में मुख्यमंत्री जी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री से मिलकर व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ में निवेश कर प्रदेश की उन्नति में भागीदार बनने की इच्छा जाहिर की है। समाज कल्याण विभाग द्वारा रायपुर जिले के माना में संचालित PRRC कई जिंदगियों को संवारने में लगा है। यहां आकर हजारों लोगों के जीवन को रफ्तार मिली है। ये पुनर्वास केंद्र इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC के सहयोग से दिव्यांगों को निशुल्क कृत्रिम अंग बनाकर देने के साथ उन्हें अन्य संचालन और संतुलन की ट्रेनिंग भी देता है। कृत्रिम अंगों की सहायता से दिव्यांगों की ठहरी हुई सी जिंदगी में एक आशा, उम्मीद और मुस्कान लाने का कार्य कर रहा है ICRC केंद्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बैठक तथा शिकायतों के निराकरण के संबंध में 13 फरवरी को रायपुर के सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में कैंप सिटी एवं जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इसमें 3:15 से 3:45 तक मानवाधिकार क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वयंसेवी संगठन और सिविल सोसाइटी से संबद्ध नागरिक, 12 बजे तक अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री विनीत नंदनवार को प्रारंभिक सूचना देकर शामिल हो सकते हैं। राजिम माघी पुन्नी मेला में इस वर्ष आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं लोग। इस वर्ष मेले में छत्तीसगढ़ के परंपरागत खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।